अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ आफ्ताब अशरफ फ्रॉम 92 मोबाइल्स। दोस्तों, आज मैं आपको एक एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग न्यूज़ देने आया हूँ सैमसंग गैलेक्सी A20s और A30s के हवाले से। सैमसंग गैलेक्सी A30s के हवाले से ये न्यूज़ है कि आप लोगों को पता होगा कि सैमसंग ने इसका 64GB वाला वेरिएंट पाकिस्तान में लॉन्च कर दिया हुआ था, लेकिन 128GB वाला वेरिएंट अभी तक नहीं आया था। तो अभी मैं आपको ये बताने के लिए भी आया हूँ कि सैमसंग गैलेक्सी A30s जो है 128GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट पाकिस्तान में लॉन्च कर दिया गया है, और इसकी प्राइस भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। इसकी जो प्राइस सैमसंग ने रखी है वो 43,000 रुपीज़ रखी है। जो 64GB वाला वेरिएंट है उसकी सैमसंग ने 40,000 रुपीज़ प्राइस रखी है, और जो 128GB इंटरनल स्टोरेज वाला है उसकी प्राइस जो है 43,000 रुपीज़ रखी है। और ये सेम स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से आया है, 4000 mAh की बैटरी के साथ और 15 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ, और सेम डिस्प्ले साइज़ सब कुछ सेम है। सिर्फ और सिर्फ इसमें जो है इंटरनल स्टोरेज को बढ़ाया गया है, और ये 43,000 रुपीज़ का जो है पाकिस्तान में लॉन्च हुआ है। इसकी लॉन्चिंग प्राइस जो है वो 43,000 रुपीज़ है। तो अभी मैं A20s के बारे में आपको बता देता हूँ कि सैमसंग ने गैलेक्सी A20s को भी पाकिस्तान में लॉन्च करना था। मैंने इस हवाले से एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई थी गैलेक्सी A20s की स्पेसिफिकेशंस के हवाले से, तो मैंने उसमें भी बताया था कि इस मंथ के एंड में वो लॉन्च करने जा रहे हैं। तो सैमसंग ने इस मोबाइल को आज से लॉन्च कर दिया हुआ है पाकिस्तान में। और इस मोबाइल की अगर प्राइस की बात करें तो मैंने प्राइस का भी उधर अपनी वीडियो में बताया था कि इसकी प्राइस जो है 30,000 रुपीज़ के राउंड अबाउट हो सकती है। मेरा गैस बिल्कुल एक्यूरेट तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन काफ़ी हद तक ठीक निकला, क्योंकि जो है 31,000 रुपीज़ जो है इसकी प्राइस रखी है सैमसंग ने इसके जो है सैमसंग गैलेक्सी A20s की। और ये सैमसंग ने दोनों मोबाइल्स जो हैं आज ही लॉन्च कर दिए हैं पाकिस्तान में। तो दोस्तों, यही थी मेरी आज की वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी और वीडियो में। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।